नमस्कार, मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। सिंगरौली कोतवाली पुलिस ने एक गांजा तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 550 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी इस गांजे को गढ़हरा से लेकर शिव पहाड़ी जा रहा था। आरोपी गढ़हरा का रहने वाला है। शासन चौकी प्रभारी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद चौकी प्रभारी ने कोतवाली TI मनीष त्रिपाठी को सूचना से अवगत कराते हुए आरोपी श्रवण कुमार वैश्य की पुलिस ने तलाशी के दौरान धर दबोचा। पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके कब्जे से 550 ग्राम गांजा बरामद हुआ। उक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी बालेंद्र त्यागी, कई अन्य आरोपी और प्रवेश तिवारी महिला आरक्षक शकुंतला शामिल रही। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सिंगरौली के बैढ़न थाना कोतवाली TI मनीष त्रिपाठी ने मुखबिर के जरिए प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक हितेश चौधरी से दिशा निर्देश प्राप्त कर पुलिस टीम खाना करते हुए रवाना करते हुए टाकीज रोड जिलानी मोहल्ला के पास घेराबंदी कर इंडिगो कार को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम सभापति साहू और दूसरे ने अपना नाम राकेश कुमार प्रजापति बताया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिस पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। वहीं मुख्य आरोपी इंडिगो कार मालिक उत्तर प्रदेश से सोनभद्र निवासी राजेश कुमार प्रजापति DAV रोड बैढ़न में अस्थायी तौर पर कमरा लेकर रहता था, जो पूरे जिले में अवैध गांजे के कारोबार का मकर जाल फैलाए रखा था। अपनी कार में बाहर से गांजा लाकर आसपास के थाना क्षेत्रों में गांजा सप्लाई करने की प्राप्त सूचना पर कोतवाली TI मनीष त्रिपाठी की निगरानी में कोतवाली पुलिस टीम ने आरोपी को अवैध गांजे सहित गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी टाकीज रोड में गुमती रखकर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर लोगों को बेचता था। बढ़ते आगे, रविवार की शाम गढ़ा कोटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर थाना गढ़ा कोटा पुलिस को जानकारी मिली है कि सागर से गढ़ा कोटा की ओर एक कार आ रही है, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध देशी शराब गढ़ा कोटा में बेचने के लिए आ रही है। पुलिस ने मौके से बिंदी तिड्डा पर कार को रोका, लेकिन कार चालक नहीं रुका। करीब 1 किलोमीटर गाड़ी का 100 डायल और थाना स्टाफ ने पीछा किया। अंत में पचारा रोड स्थित गाड़ी को पकड़ लिया गया। कार और एक आरोपी को थाना गढ़ा कोटा लाया गया। इस बीच कार में से 2 अन्य आरोपी भागने में सफल हो गए। नवनियुक्त थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की कार में से 40 पेटी अवैध शराब, 360 लीटर लगभग 1.5 लाख रुपए की कीमत आंकी गई है। आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गिरफ्तार कर प्रकरण जांच में लिया गया है। अभी उससे पूछताछ नहीं हो पाई, पूछताछ हो जाएगी। दो आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं जो कूद के भागे हैं, बता दीजिएगा हमको। कितनी कीमत है इस शराब की? लगभग 1.25 लाख। तो क्या माना जाए की गढ़ा कोटा एक अवैध शराब का एक अड्डा बन गया है? नहीं, आज आप आए हैं, पहले दिन इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी पुलिस ने, फिर आगे भी कार्रवाई जारी रही? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भागे गए आरोपी उनको पकड़े, क्यों नहीं पकड़ेंगे, पता लगेगा तो बिल्कुल। वहीं शाहजहांपुर रविवार की रात टिडोड़ी ढाबे के समीप शौचालय करने जा रहे रियाज खां पिता इरफान खान, जिला मुरादाबाद, को रात 4 बजे के लगभग अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। डॉक्टरों ने उपचार देने के लिए बाद युवक को इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। चूंकि मामला यूपी का था और एक गरीब व्यक्ति का था, जो शाहजहांपुर शहर के मुस्लिम समाज के लड़कों ने इनके काफी मदद कर मुरादाबाद भेजने में सहयोग किया और आर्थिक मदद की। फिलहाल मध्य प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही। नमस्कार।